वो अंग्रेज लिखता है कि सब लोग सोए रोटी वाला रोए। ऐसे जस ब्रदर्स तुम तेज़ से काम करां। पांच आठ साल हो गए मुझे इसी के साथ, घर वालों की जरूरत, मेरी पढ़ाई भी इसी से हो रही है। लाल बाजार, नवशहर, सेकडापर, बटमालन, गांधरबल, अशन कह जाए त्रम के लोग। अभी हम जिस जगह मौजूद है, ये जगह शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है और इस इलाके का नाम है डांगरपुरा। ये इलाका जो है, जब आप बारामुल्ला शीरी के मेन चौक पे पहुंचेंगे, एक रास्ता जो सीधे है वो उरी की ओर जाएगा, वहीं से हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट की ओर जब हम जाएंगे तो हम डांगरपुरा इलाके में, इस वाले गाँव में पहुंचेंगे। ये गाँव जो है तकरीबन 1700 आबादी पर मुश्तमिल है, 350 घर इस गाँव में आबाद है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गांव का हर दूसरा इंसान एक मखसूस काम के साथ जुड़ा हुआ है, नानबाई के काम से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर की बात करें, वहाँ जो नानबाई का काम करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे लोग जो हैं इसी इलाके से वहाँ जाकर काम करते हैं। सवेरे जो हमारे घरों के अंदर रोटी तैयार होकर हमारे घरों तक पहुंचती है, तो ज़्यादातर यही से लोग जो है इस पर्टिकुलर मखसूस काम से वाबस्तगी रखते हैं और वहाँ ये जाकर ये काम करते हैं। इसी काम से वो अपना घर भी चला रहे हैं और अच्छा खासा रोज़गार का एक वसीला भी है उनके पास, ये नानबाई का काम। बारामुला पे हर ये शीन पे अगर कम ठप ग वंदस मे यार अगर रोजान से रूद ठीक फाइनेंशियली रूद ठीक प्रॉब्लम क्या फैमिली फॉर एग्जांपल बी चोर नफर कहान ये चोन घरन रोजी रोटी पकान। के सरपंच से हमारी मुलाकात हुई, ये पता चला कि ये भी इसी काम से पहले वाबस्तगी रखते थे। आइए इनसे जानते हैं। पूरे गांव में छुना या इलाके कांदर काम करा आई मी शुरुआत इट कैन सपोज मी शुरुआत से मन बेरोजगारी इज गज गुरबत जबरदस्त बिशन का कर मजदूर निश के निश मेव निश के अरड ये जमीन इस कम मजीद कोई जुकनाल कुछ कुन दत के दत लगन मन एडन वायर एडन के मते मुझे बेरोजगारी जबरदस्त। तू ही तेसु पान ये है سرینگر سرینگر عید گاہ سگڈا پر بہن ورین جناب گاندر گاندر کیا جناب مان پہ مل سم تم آلریڈی مان کر یہ کم تم مان یل تم وچ پہ گئے تم سب مجبور کرنے خطر हमारे पुराने जाते थे डोडा किश्तवाड़ आरीकशी के लिए बगारी ले जाते थे बॉर्डरों पे। अब शुक्र खुदा का ये थोड़ा बहुत काम है जिसकी वजह से हम अपना नफस चलाते हैं और कुछ नहीं चला सकते क्योंकि महंगाई बहुत है और हमारे बच्चों की सेहत पे ऐसी असर पड़ी जो रात को उठते हैं बेचारे तहजुद के वक्त वो अंग्रेज लिखता है कि सब लोग सोए रोटी वाला रोए, ये बेचारा लगा रहता है इसको क्योंकि नमाज पढ़ के निकलते इनको रोटी होनी चाहिए जी, जी। बाकी बेनिफिट कोई नहीं मिला इनको नहीं। एक बेनिफिट मिला कि शुक्र है कि गलत कामों से बचे रहे अपने काम में मशहूर रहे जी। हर जगह में हमारा लरीडूरा का डांगरपुरा का इलाके नारवा का बंदा मिलेगा इस पेशे से मगर इसके लिए कभी नहीं सोचा कैसे गवर्नमेंट ने या किसी नहीं सोचा। देखिए यहाँ कितनी फिजा जगह टूरिस्ट की है, असली सारे क्रीमा जो टूरिस्ट आता है ये देखना कि पहले कहाँ से आता था सारे क्रीमा टूरिस्ट है क्या। जुमा जुमा हो गए 8 दिन ये बाना टंडल बन गई, अब वहीं से टूरिस्ट आ रहा है। असली कहाँ से आ रहा था, पुरानी जगह कौन है जैसे रंगारेड़ी है या ऊपर बहुत जगह है ऐसी जहाँ पे अंग्रेज लोगों की पुरानी सड़कें हैं इस जंगल से। अगर उस पेशे को चालू होता कोई भी बेरोजगारी नहीं रहती। तैरा चचेरा मसेरा
हर जगह इसी काम से वाबस्ता, इसी काम से वाबस्ता है। जहाँ भी ढूंढोगे वो साढ़े छियाने वाले आते थे, वो मोजे बेचने वाले बाहर से पहले बखारी, यहाँ उसी जगह हम भी अब बखारी बन के वो हर जगह रोटी वाले मिलेंगे। यहाँ पे 300 या 400 घर होंगे, मतलब 98% इस काम के साथ वाबस्त हैं, 98%। और जो भी यूथ हैं, जो भी मतलब करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम सारे वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। और लेकिन जो मैंने आपको बताया कि बेसिक ज़रूरी जो इंसान की नीड्स जो होती हैं, आप समझ सकते हो कि हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, हम अगर हम यहीं पर घर पर ही बैठे रहें तो हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा किसी बुरे कामों की तरफ, वो हम नहीं चाहते हैं। उसी चीज़ की वजह से हम प्रेफर करते हैं अपना गाँव छोड़ के आप सिटी में जाए कुछ काम कम है। श्रीनगर के किस इलाके में आप ये काम करते हैं? जी हम श्रीनगर में अलोजीबाग जो है, अलोजीबाग का एरिया, वहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे हमारी एक शॉप है लाल चौक के साथ ही बढ़ते हैं, तो वहीं पे हम काम करते हैं। कितने सालों से आप ये काम कर? लगभग मैं ज्यूरिंग कॉलेज दौरान, फिर मेरी यूनिवर्सिटी इग्नो थ्रू वहाँ पे भी लगभग मुझे मतलब 5-8 साल हो गई मुझे इसी के साथ। 2016 में मेरा पीजी कंप्लीट हो गया, अब मेरा अंडर प्रोसेस है दूसरा इसमें पॉलिटिकल साइंस में, वो अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन मैं अपना काम भी रखता हूँ, मैं अपनी आप की भी जो नीड्स है वो भी पूरी करता हूँ और घर वालों की जरूरत भी, मेरी पढ़ाई भी इसी से हो रही है। इस इलाके के नंबरदार से हम मिले जिन्होंने खुद ये काम किया है श्रीनगर, इस काम के सिलसिले में उन्होंने रुख किया और ये काम किया, फिर वापस आए यहाँ अपना बिजनेस स्टैंड किया शहर का इलाकस में, घरस मत बिल्कुल शहर है। अच्छा ठीक, शहर का सारे गाँव लाल बाजार नवशहर सेकडापर बटमालन गांधरबल अच्छा कह जाए त्रम इम लोगों।